गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग मैथ सब्जेक्ट फॉर स्टैंडर्ड 5th, चैप्टर 12, स्मार्ट चार्ट पार्ट 2। आई होप बच्चों प्रीवियस पार्ट आपने आपके टेक्स्ट बुक में एंड नोटबुक में कर दिए होंगे। सो आज हम आगे के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज के एक्सरसाइज में बच्चों हम पाई चार्ट पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज पाई चार्ट? इट आल्सो कॉल्ड इन नॉर्मल लैंग्वेज चपाती चार्ट, है ना। इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेड, इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंट्स द डेटा, है ना। डेटा को पाई चार्ट के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक। ओपन योर पेज नंबर 162 में देखते हैं हेल्पिंग हैंड्स। हेल्पिंग हैंड। In the EVS period, the teacher asks the children whether they help their parents at home. आप आपके parents को घर पे कौन कौन से काम में help करते हो? There were different answers. सबके अलग अलग answer आए। Children named the work in which they help their parents the most. हर एक children ने काम का नाम बताया कि वो क्या काम करने में मदद करते हैं parents को। And teacher ने क्या किया? The teacher collect their answer and made a table. Teacher ने उनका table बनाया, है ना? That means teacher ने क्या किया? Data collect किया। और यहाँ पे देखो, सर्ब ने क्या बोला? Going to the market, 47 children ने बोला। Washing utensils, 15 children ने बोला। Washing clothes, 3 children ने बोला। Making and serving food, 25 चिल्ड्रंस करते हैं। क्लीनिंग दी हाउस, तो 10 चिल्ड्रंस करते हैं। तो टोटल बच्चों कितने चिल्ड्रंस हो गए? सो सी, 47 प्लस 3 कितना हुआ? 50 एंड 15 एंड 25 मिलके कितना हुआ? यस 40, है ना। 50 प्लस 40 इज 90 एंड 10 100। तो टोटल 100 चिल्ड्रंस ने जवाब दिए। नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट शोन द नंबर गिवन इन द टेबल। तो बच्चों ये प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे? चपाती चार्ट, है ना। चिल्ड्रन हु हेल्प मेकिंग और सर्विंग द फूड आर, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है क्लीनिंग द हाउस, है ना। तो आगे का पार्ट हमको फिल करना है। कैसे करेंगे? तो पहले बच्चों 1/3 ऑफ चिल्ड्रन, यानी 100 का 1/3 चिल्ड्रन इज नियर अबाउट 30 चिल्ड्रंस तक होगा, है ना। 33 और 30 नियर तक। तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है देखते हैं, चलो। नाउ बच्चों टोटल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स आर 47, 15 प्लस 3 प्लस 25, 10, दैट मीन्स 100। नाउ चपाती चार्ट में उसको कैसे प्रिंट करेंगे? बच्चों वॉशिंग क्लोथ्स, दैट मीन्स 3 चिल्ड्रंस आएंगे। क्लीनिंग हाउस, तो 10 चिल्ड्रन आएंगे। अभी उन बुक में क्या दिखाया हुआ है? हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन यानी 50 होगा नियर अबाउट। तो 47 एंड 30 मिलके 50 होगा। तो 47 ये क्या है? गोइंग टू द मार्केट। तो 47 और 3 दोनों मिलके हाफ हो गए बच्चों, यस। नाउ 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन, 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन दैट मेकिंग फूड, दैट मीन्स 1/4 इंटू 100, दैट मीन्स 4 × 2 = 8 एंड 4 × 5 = 0, दैट मीन्स 25। 25 कौन है? यहाँ पे आ जाएगा 25, है ना। और बचा क्या? अभी 15। तो वॉशिंग यूटेंसिल यानी 15 चिल्ड्रंस यहाँ पे आ जाएंगे। देखो बच्चों 15 प्लस 10 मिलके 25 होता है, 25 प्लस 25 हाफ पार्ट हो गया। वॉशिंग क्लोथ्स 3 एंड गोइंग टू मार्केट 47, 47 प्लस 3 ओ भी 50 हो गया। गॉट इट बच्चों? अभी आगे देखते हैं। नाउ बच्चों आगे के पार्ट में हम देखेंगे प्रैक्टिस टाइम में आफ्टर स्कूल। आस्क 10 ऑफ योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे लाइक टू डू आफ्टर
मोस्ट ऑफ आफ्टर स्कूल। तो बच्चों वो डेटा कैसे कलेक्ट करना है, आप आपकी स्कूल आफ्टर स्कूल क्या क्या एक्टिविटी करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को पूछना है कौन क्या रिवर्ट करता है वो यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में टेबल बनाना है। तो चलो बच्चों इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो बच्चों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट दे लाइक डू आफ्टर स्कूल, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग स्टोरी बुक, लिसनिंग म्यूजिक, स्लीपिंग एंड ड्रॉइंग। तो मोस्ट ऑफ बच्चों ने नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी में 2 है, प्लेइंग फुटबॉल में 3 चिल्ड्रंस है, रीडिंग स्टोरी बुक में 1 है, लिसनिंग म्यूजिक में 2 है, स्लीपिंग में 1 है एंड ड्राइंग में 1 है ना। तो आप ऐसा आपका खुद का भी टेबल बना सकते हो, गॉट इट। नाउ आगे का एग्जांपल देखते हैं। आगे के एग्जांपल में क्या है, एड मेड रागिनी लव्स टू वॉच कार्टून्स ऑन टेलीविजन, वन डे शी थॉट्स ऑफ काउंटिंग अ नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक, शी फाउंड दैट ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टाइजमेंट, हर एक ब्रेक में 14 एडवर्टाइजमेंट थी, इन 10 दोज एड देयर वर चिल्ड्रंस एज अ एक्टर्स, है ना। 10 ऐसे एडवर्टाइज थी जिसमें चिल्ड्रंस ही एक्ट कर रहे थे। वाई डू यू थिंक दैट द चिल्ड्रन आर यूज इन सो मेनी एड्स, क्योंकि बच्चों चिल्ड्रंस को चिल्ड्रंस पसंद होता है, उनके जैसा बनना अच्छा लगता है ना, इसलिए यूज टेलीमार्क एंड काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग शॉर्ट्स ब्रेक इन द प्रोग्राम। तो बच्चों आपको आज ये एक्सरसाइज करनी है, आपको टीवी जब आप कार्टून देख रहे हो तब आपको चार्ट बनाना है। क्या चार्ट बनाएंगे, एडवर्टाइज में कौन कौन से टाइप्स की आती है एड, खाने पीने की आती है, चिप्स की आती है, सोप की आती है, शैम्पू की आती है ना, शेक की आती है, आइसक्रीम की आती है, हेयर ऑयल की आती है, ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप्स की एड आती है। तो आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ एड एंड हाउ मेनी टाइम्स कम, टाइप्स ऑफ एड एंड कितनी बार वो एड रिपीट हो रही है उसका टेलीमार्क बनाना है ना। तो यूज टेलीमार्क एंड काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग शॉर्ट ब्रेक ऑफ द प्रोग्राम, वेयर देयर एड्स ड्यूरिंग न्यूज प्रोग्राम, न्यूज प्रोग्राम में भी एड आती है बट इट इज कंपेरेटिवली थोड़ी कम होती है टीवी प्रोग्राम से। ट्राई योर सेल्फ नेक्स्ट टाइम वेन यू वॉच द फेवरेट टीवी प्रोग्राम, काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक एंड यूज अ टेलीमार्क, पुट डॉट बिलो द टेलीमार्क when you have a fine children's in any advertisement, है ना। compare with your, ये telemark अभी आपके friends के साथ आपको compare करना है ना, और compare करके हमारे maths के textbook में लिखना है। अभी बच्चों pie chart तो हमने पढ़ गया, अभी ये कौन सा graph दिख रहा है, it is also वन टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, इसको हम बच्चों बार ग्राफ बोलते हैं। बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, हम वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पर बार ग्राफ की रीडिंग कैसे करनी है वो अभी देखते हैं। हॉट एंड कोल्ड, हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन द टीवी और न्यूज़पेपर, दीज आर टू बार चार्ट्स, दीज शोज द हाइएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस in 4 cities on 2 different ways, the city are Delhi, Shimla, Bangalore and Jaisalmer, है ना। बच्चों आप देखो दो बार चार्ट दिए हुए हैं, 1st June का and 1st December का, इसमें दिल्ली, शिमला, बैंगलोर एंड जैसलमेर के डिग्रीज बताए हुई है टेम्परेचर, है ना। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट, हमको बार चार्ट में से फाइंड आउट करना है।
In which city is the hottest on 1st June? 1st June में सबसे hottest कौन सी city है? Yes, obviously जैसलमेर, क्योंकि उसमें 38 degree Celsius है. Which city is coldest on 1st December? तो 1st December में कौन सी city एकदम coldest थी? तो yes, शिमला. कितना था? 10 degree Celsius. Which city shows the little change in temperature on 2 days, 1st June and 1st December? तो बच्चों, कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें स्मॉल चेंज ही हुआ है? Yes, बेंगलोर. देखो बच्चों, बेंगलोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है. बेंगलोर में 1st जून में 28 था और 1st दिसंबर में वो 24 ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना? 4 डिग्री डाउन हुआ है. गॉट इट? ट्राई योर सेल्फ. वन ऑन एनी वन डे चूज एनी 3 सिटीज एंड रिकॉर्ड देयर टेम्परेचर फ्रॉम टीवी ऑन न्यूज़पेपर एंड मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक एंड आस्क योर फ्रेंड्स फ्यू क्वेश्चंस अबाउट ईच एंड सी इफ दे अंडरस्टैंड योर चार्ट. तो बच्चों, ये बार चार्ट कैसे ड्रॉ करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय.